में उन फिजियोथेरेपिस्ट के बीच में जो कि पिछले 13 दिसंबर से आंदोलनरत है, हड़ताल पर है, धरना पे हैं, और यहीं पे उनकी पढ़ाई भी हो रही है और यहीं पे उनका पूरा दिन और रात भी गुजार ही रहे होंगे, मेरे को ऐसा लगता है। तो आज मैं ये जानने की कोशिश करूँगा इनसे कि भाई जब सभी जगह पे क्लासेस अब 100% शुरुआत हो गई है तो आप लोग क्यों धरना आंदोलन पे हैं, पढ़ाई क्यों छोड़ दिए हैं। आज इनकी मांगों के बारे में चर्चा करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल आयुष विश्वविद्यालय की तरफ से इनको क्या दिक्कतें आ रही है, क्या इनकी मांगों पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कहीं कोई बातचीत नहीं हो रही है, मंत्री जी तक कोई बातें नहीं पहुँच पा रही है, सरकार तक कोई बातें नहीं पहुँच पा रही है, और कब तक ये सिलसिला ऐसे चलेगा। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ बहुत सारे जो है छात्र हैं जो कि फिजियोथेरेपिस्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, फिजियो की पढ़ाई कर रहे हैं, और इनसे ये समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि पढ़ाई दरअसल चल कैसी रही है, अच्छी है, ख़राब है, बुरी स्थिति में है, किस स्थिति में है, और 4-5 मांगे जो इन्होंने बैनर पर लगा रखे हैं वही मांगे या उसके अलावा भी कुछ है, तो हाल ठीक नहीं है अभी। जी बिल्कुल, हाल बेहाल है। 19 साल से यह कॉलेज चल रहा है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत आप अभी कोरोना के समय में देखे होंगे कि दवाई देने के बाद जो पोस्ट कोविड रिकवरी है और कोविड के दौरान जो रिकवरी है उसमें फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। अगर फिजियोथेरेपिस्ट जो भावी फिजियोथेरेपिस्ट है जो बन के यहाँ से निकलने वाले हैं उनको सुविधाओं के अभाव में रख के अगर आप बनाओगे तो कहीं ना कहीं से विकलांगता दिखेगा ही, और जो विकलांगता को ठीक करने वाला फिजियोथेरेपिस्ट है वो खुद विकलांग रहेगा तो कैसे बनेगी बात। बात ऐसी है कि छात्रावास जरूरी है, इंटर्नशिप स्टाइपेंड जो है मात्र 3,500 रुपये है, 2007 से शुरू हुआ है, 2012 के बाद बढ़ा ही नहीं है, है ना। तो ये सब मांगे हैं। MPT जो है हमको यहाँ पर जरूरी है, मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्स जो है स्नातकोत्तर का काफ़ी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से BPT करने के बाद जो अपॉर्चुनिटी है छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं है, जबकि ये स्वतंत्र राज्य है, एक छोटा बहुत बड़ा राज्य है, इतना रेवेन्यू है कि यहाँ पर पुनर्वास केंद्र होना चाहिए, इतने इंडस्ट्रियल एरिया है कि यहाँ पर पुनर्वास केंद्र होना चाहिए। काफ़ी दुर्घटनाएँ होती हैं, कोई जल के आता है, आप BSP में देखते रहते हैं, तो जलने के बाद भी फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है ना। काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे हैं तो उसमें भी फिजियोथेरेपी का रोल है। तो जब आप फिजियोथेरेपी का रोल है, आधुनिक चिकित्सा है, तो उसे दबाया ना जाए, ये हमारी मांग है, और ये 4 मांगों की बदौलत हम अपना उन्नयन चाहते हैं। मतलब जो अभी देश में सबसे बड़ी ज़रूरत है फिजियो की ज़रूरत है, मतलब एक तो क्या ही जा रहा है कि योग करिए, लेकिन योग के साथ साथ जो इसकी आवश्यकता है, लेकिन जैसे आप बता भी रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो है मास्टर डिग्री नहीं है यहाँ पे, है ना। क्यों आपको लगता है कि 21 साल में जब छत्तीसगढ़ ने तमाम जगहों पे तरक्की की है और जैसे आप बता भी रहे हैं कि खनिज संसाधन से भरपूर है, राजस्व वाला राज्य है, जहाँ पे औद्योगिक इकाइयाँ बहुत है और दुर्घटनाएँ बहुत होती हैं, वहाँ पे इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ पे कमी है? मतलब विश्वविद्यालय स्तर पर कोई कमी है या फिर जो है सरकारें इस दिशा में सोच ही नहीं पा रही है? देखा जाए तो सरकार जो उच्च लेवल पे फाइलें जाके रुक रही हैं उनको सोचना चाहिए। आपको सारे VIPs को ट्रीटमेंट चाहिए फिजियोथेरेपी का, लेकिन आप लोगों को फिजियोथेरेपी के उन्नयन के लिए कार्य नहीं करना है, तो ये बहुत ही दुखद है। क्योंकि विश्वविद्यालय का काम क्या रहता है? परीक्षा लेना और रिजल्ट देना, डिग्री बांटना। विश्वविद्यालय स्तर पर कहीं भी नहीं रुका है। विश्वविद्यालय एफिलिएशन तभी दे देगा जब आपके पास स्टाफ रहेंगे, स्पेस रहेगा और उपकरण रहेगा, है ना, क्योंकि ये रिसर्च बेस्ड कोर्स होता है स्नातकोत्तर का। सुविधाएं नहीं दी जा रही है जी, बिल्कुल, वो सुविधाओं की कमी है यहाँ पर, और वही मांगने के लिए हम लोग बैठे हैं। जब छात्रावास भवन रहेगा तो यहाँ कोई पढ़ने के लिए आएगा, और यहाँ के जो बच्चे पास हो गए हैं, लगभग 1500 लोग जो हैं, 1500 फिजियोथेरेपिस्ट छत्तीसगढ़ राज्य से डिग्री ले चुके हैं बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का, तो वो बाहर में जाके पढ़ रहे हैं। अब मैं आपको बता दूँ इस शासकीय फिजियोथेरेपी महाविद्यालय की जो अच्छी बात है, यहाँ से पूरे ऑल इंडिया में लगभग 70% लोग MPT का कोर्स में टॉप के रेंज में आते हैं। जब जो टॉप का लिस्ट रहता है तो 70% लोग GPC से रहते हैं, और इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम में जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो यहीं से है। तो फिजियोथेरेपी का उन्नयन पे सोच जो है वो सरकार की, मतलब उसमें दीमक लग गया है, वो दीमक हम साफ करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। तो क्या लग रहा है अभिषेक, आवाज़ जो है, मतलब लग रहा है 13 दिसंबर से आप लोग जो है हड़ताल पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कहाँ तक पहुँची ये आवाज़? देखिए, आवाज़ तो अभी ग्राउंड लेवल पे है, ग्राउंड लेवल से गई है नेता के पास। नेता का काम है सुनना, हमारा काम है बोलना।
आगे भी जाते रहिएगी आवाज, और ये नहीं है कि हम लड़ाई यही रोक देंगे। नेता का काम ही तो सुनना नहीं है, उनका काम तो बोलना है। सुनना है, उनका काम सुनना है। नहीं सुन रहे हैं ना? नहीं सुन रहे तो वही सुनवाने के लिए बैठे हैं, और जब तक नहीं सुनेंगे, जब तक नहीं करेंगे, बैठे ही रहेंगे। और हम अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोर्स आगे बढ़े, हमारी उन्नयन हो, तो हमको लड़ना पड़ेगा। और लड़ने के लिए जब बैठे हैं तो पूरे लड़ के जाएंगे और लेके ही जाएंगे। आज बैठे हैं तो कल ही बैठे रहेंगे, जब तक हमको हमारे सरकार सही तरीके से उत्तर नहीं दे देती, सही तरीके से निर्णय नहीं मिल जाता, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे फिर बाजी हमारी लगे चाहे सरकार की लगे। तो पूरी जो है बाजी लगा के बैठे हुए हैं, अब तो यहाँ से हार के जाना नहीं, ऐसा है? हाँ हाँ, अभी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, सरकार की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं मिलेगा हमको, तब तक हम अपना ये हड़ताल कंटिन्यू रखेंगे। तो तिवारी जी, आपके बारे में तो कहा जा रहा है कि आग लगा देते हैं, क्यों लगा देते हैं? देखिए, छात्र आक्रोशित कब होता है? ये छात्र का आक्रोश है उनकी महत्वाकांक्षाओं पर पड़ती चोट की अभिव्यक्ति है। हम जो महत्वाकांक्षा रखते हैं सरकार से, सरकार अगर कोई पाठ्यक्रम का संचालन शुरू किया तो हम ये अपेक्षा करते हैं कि उसके साथ मूलभूत सुविधा, आग की गर्मी सरकार के आँख में चुभे, थोड़ी आँख खुल जाए तो हमारा तो लाभ होगा ही। मैं सरकार को ये बताना चाहूँगा कि आप हमारे साथ छल नहीं कर रहे, हमारे साथ धोखा नहीं कर रहे। छत्तीसगढ़ में लगभग 3.25 करोड़ जनता है, वो जब इस चिकित्सालय में आती है तो उनकी मानसिकता क्या होती है कि हम जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी चिकित्सालय में। वहाँ किसी भी डिपार्टमेंट में, ऑर्थो में, मान लीजिए कोरबा में रहने वाले व्यक्ति का हड्डी टूट गया, यहाँ डॉक्टर के पास आए, डॉक्टर ने सर्जरी कर दी, लेकिन हाथ अब ऐसे मुड़ गया है, हाथ सीधा कौन करेगा? फिजियोथेरेपिस्ट। डॉक्टर ने लिख दिया कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ, और जब फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं यहाँ पे, तो एक कमरे में फिजियोथेरेपी कक्ष संचालित है, और एक कमरे में प्रतिदिन 150 से 200 मरीज आते हैं। अब वो मरीज अपना हाथ सीधा करने के लिए कितना वेट करेगा? ओपीडी का तो टाइमिंग फिक्स है, 1 घंटे हम एक्सटेंड कर सकते हैं, मान लीजिए 2 बजे तक टाइमिंग, हम 3 बजे तक एक्सटेंड कर लिए, फिर भी क्या एक कमरे में कम जगह, कम उपकरण और कम चिकित्सक के साथ हम उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे? लास्ट में उसको बेबस लौटना पड़ेगा। तो सरकार को चाहिए कि उसके जगह का विस्तार करे, चिकित्सकों की भर्ती हो, उपकरण में थोड़ा विस्तार करे, ताकि छत्तीसगढ़ प्रदेश की सारी जनता का हम अच्छे से ट्रीटमेंट कर सके। जब वो आए कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े चिकित्सालय में आ रहे हैं, तो वो निराश ना लौटना पड़े। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ फिजियोथेरेपिस्ट छात्रों का क्या हाल है, और देखिए इन सब छात्रों के हाथ में बहुत सारे जो हैं पोस्टर्स हैं, और उसमें एक में उधर ऊपर लिखा हुआ है हमला हमला क्या हमला हमारा अधिकार दे ल पड़ी कक्का तोला सुने ल पड़ी कब सुन ही तो खोजा थन। बैडमिंटन या छात्रों का भविष्य, इस नारे का क्या मतलब है? बैडमिंटन या छात्रों का भविष्य, बैडमिंटन या छात्रों का भविष्य। जब हम स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलने गए थे, हमने 4-5 घंटे इंतजार किया। हम पहले रैली के थ्रू गए थे तो वहाँ हमें मिलने नहीं दिया गया, तो हमें कहा गया कि सिर्फ कुछ लोग जो लीडर्स हैं वो मिल सकते हैं। तो हम सब वापस आ गए, उन्होंने हमें दिया था 4:30 बजे का टाइम, हम तब से लेकर 9:30 बजे तक वहीं थे, हम इंतज़ार करते रहे। लेकिन जब वो गए तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे बैडमिंटन खेलना है। आपको क्या लगता है, बैडमिंटन ज़रूरी है या फिर आप लोगों का भविष्य ज़रूरी है? मंत्री जी जो है बैडमिंटन खेलते रहे, आप लोग से मिले नहीं? हाँ, वो बैडमिंटन खेलने चले गए और हमसे नहीं मिले। ये हैं भाई, वैसे तो स्वास्थ्य मंत्री जी बड़े जो है नरम दिल के माने जाते हैं, और उधर कुछ नारे क्या है ये, 19 सालों की वनवास और क्या लिखा है, कब मिलेगी छात्रावास? राम जी को तो 14 साल के वनवास में विजय प्राप्त हो गया था, आप लोग का तो 19 साल हो गया। उधर और क्या लिखा है नारा, क्या है, वादा वादा को निभाना होगा, बढ़ाना होगा, वो नहीं बढ़ा रहे हैं जो 3000 में काम चला रहे हैं। तो ये तो महंगाई का तो बड़ा दौर है, 21 साल छत्तीसगढ़ का है, जहाँ पे सब कुछ नवा नवा है, ऐसा बताया जा रहा है कि नवा छत्तीसगढ़ है, 21 साल का युवा छत्तीसगढ़ है, और तमाम सारे युवा जो है इस वक्त धरना पे हैं, और उनके साथ मैं भी बैठा हुआ हूँ, धरना नहीं दे रहा हूँ बता देता हूँ, बैठा हुआ हूँ, बातचीत कर रहा हूँ। अच्छा, 3000 में तो वाकई में कोई बातचीत तो उससे बन नहीं सकती, 3000 तो बहुत कम है सर, बहुत ज़्यादा कम है 3000 रुपये। मतलब हम भी बहुत मेहनत करते हैं, हम सुबह ड्यूटी देते हैं, नाइट ड्यूटी, नाइट शिफ्ट लगती है हमारे सीनियर्स की, सभी की, तो इतना मेहनत करने के बाद अगर आपको 3000 रुपये देंगे तो आप खुद सोचिए ना कि आपको कैसा लगेगा।
अगर कोई आदमी काम करता है तो वो सोचता है कि मेरे को, मैं जो काम कर रहा हूँ उसका तो मेरे को मेहनत आना मिलना चाहिए ना, तो उतना भी नहीं मिलता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। हर डिपार्टमेंट में जाते हैं, जितनी ड्यूटी MBBS वाले करते हैं, डेंटल वाले करते हैं, वैसी हमारी भी होती है। उनको कितना मिलता है? उनको 12,500 रुपये मिलता है, दोनों का उतना ही है, लेकिन हम लोग को 3,500 रुपये मात्र मिलता है, और यह हमारा 2012 के बाद से बढ़ा ही नहीं है। तो सोचिए ना, उनके सबके में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, लेकिन हमारा उसके बाद से बढ़ा ही नहीं है, तो ये तो बहुत कम है ना, इतने में कैसे कर पाएंगे? बात तो सही है, 100 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल हो गया है, और उसमें 3,000 रुपये अगर आपको दे तो 3,000 रुपये में तो गुजारा हो ही नहीं सकता है। अच्छा ये बताइए, आप कहाँ से आई हैं? यही हैं आप भी, रायपुर की या फिर? नहीं, मैं अंबिकापुर से आई हूँ। अरे उधर ही के तो बाबा जी हैं। हाँ वहीं के हैं वो, जब वहाँ सुन रहे हैं? नहीं तो भी नहीं सुन रहे हैं वो, अब उनका ये पता चला है हमको। जब हम, क्या पता चला है? बाबा वहीं के हैं करके? नहीं, ये पता चला है कि वो, मतलब पहले लगता था कि वो बात सुनेंगे, अच्छा। बट अब पता चला है कि वो मतलब स्टूडेंट्स की बात भी नहीं सुन रहे हैं। मतलब वो खुद हेल्थ मिनिस्टर हैं, तो उनको खुद पता होना चाहिए फिजियोथेरेपी की इम्पोर्टेंस। हमको उनको ऐसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, वो खुद एक हेल्थ मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उसका मतलब ही वही है। तो हमको तो बैठने की ज़रूरत पड़नी ही नहीं चाहिए, ये हमारी बेसिक नीड्स हैं, जो हर किसी, मतलब किसी भी कोर्स को चलाने के लिए ये चार चीज़ें तो चाहिए ही, इसके बिना कैसे चलेगा। बट फिर भी इतने सालों से हम लगे हुए हैं उस चीज़ के लिए, मेहनत कर रहे हैं, हमारे सीनियर्स बात सब कुछ कर रहे हैं, बट फिर भी मतलब उनके तरफ से कोई भी ऐसा रिस्पांस नहीं आ रहा है, ना ही वो हमारे बताया। नहीं बाबा, मैं भी अंबिकापुर की हूँ, मेरी तो कम से कम सुन लीजिए। वो अंबिकापुर, बिलासपुर, रायपुर कहीं की नहीं सुन रहे हैं, कहीं की भी नहीं सुन रहे हैं। वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट किस के रहे हैं, तो वो अपनी खुद की ही सुन रहे हैं, पता नहीं वो किसकी सुन रहे हैं, लेकिन उनको सुनना चाहिए ये बात, क्योंकि वो खुद एक स्वास्थ्य मंत्री हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं आजकल मेरे को कोई नहीं सुन रहे हैं, बृहस्पति जी को सुन रहे होंगे। खैर अच्छा जी, देखिए यहाँ पे बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि आदिवासी अंचलों से आए हैं, और नक्सल प्रभावित इलाकों के जो बच्चे हैं वो भी पढ़ रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं पोडियम मुकेश, जो कि बहुत सारे सपने लेकर यहाँ पे आए थे। तो सपना तो पूरा हो रहा है धीरे धीरे मुकेश? हाँ सपना तो धीरे पूरा हो रहा है, लेकिन उससे जो रिलेटेड है चीज़ें कॉलेज में, कॉलेज शुरू में जब आए तो अच्छा ऐसा फील हुआ कि सब सुविधाएं, सुख सुविधाएं, और पता चला यहाँ आने के बाद कि यहाँ का छात्रावास ही नहीं है, और फिर बाकी सीनियर से पता चला कि जो स्टाइपेंड है यहाँ का, यहाँ कुछ मतलब न्यूनतम से भी कम है। मतलब जैसे बोल सकते हैं कि आपका जो माँ का जो खर्चा गुजारा चलना चाहिए वो भी पूरा नहीं हो पा रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता, छात्र संगठन की हालत ख़राब है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर, इसमें बैठे हुए हड़ताल में, उसकी उनको चिंता नहीं। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की सरकार की बैक में पेन है, उसको ठीक करना पड़ेगा, और उसके लिए हमारे दिलों में जो आग है वो SWD यानी शॉर्ट वेव डायथर्मी देने के लिए काफ़ी है, ऐसा मुझे। दुष्यंत कुमार वाली लाइन है, नहीं आग कहीं भी हो हाँ जलनी चाहिए, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। तो सूरत नहीं बदल रही है, नहीं कोशिश पूरा जारी है, एकदम कर ही रहे हैं कोशिश तो। अरे ये बताइए शुक्ला जी, ये पूरा जो 13 दिसंबर से अब तक का चला है आप लोगों का धरना आंदोलन, बाकी लोग आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं? क्योंकि आपके पड़ोस में तो एक और जो है मेडिकल कॉलेज है, डेंटल मेडिकल कॉलेज पड़ोस में एक और है। अच्छा ये बताइए, दूसरी चीज़ ये भी देख रहा हूँ, जैसे कि आपने बताया कि हमें सिर्फ एक कमरा दे दिया गया है वहाँ पे, तो ये दोयम दर्जे वाली स्थिति है, अभी भी भेदभाव वाली स्थिति है आप लोगों के साथ? बिल्कुल, फिजियोथेरेपी जो फील्ड है वो अभी यहाँ पे डेवलप हो रहा है, लेकिन डेवलपमेंट जो है सरकार की जिम्मेदारी है ना, उस पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जो लोग उनके मतलब मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उनका ही उन्नयन बार बार किया जा रहा है। जिनकी संख्या ज़्यादा है आप उनको बार बार उन्नयन करोगे वो तो खुद से हो भी रहे हैं और आप उनको करे भी जा रहे हो, जिनकी संख्या कम है उनको बढ़ाना चाहिए। फिजियोथेरेपिस्टों की संख्या यहाँ पर कम है, उनको बढ़ाओ, उनको आप PSC CSC में पोस्टिंग दो। यहाँ से पढ़ाने के बाद भी अपॉर्चुनिटी देना पड़ता है, सरकार को ये जानना पड़ेगा कि आप नीचे लेवल
लेवल तक को आपको सर्व करने हैं, बस्तर से लेकर सरगुजा तक, तो उस हिसाब से सरकार को प्लान करके चलना चाहिए। यहाँ पर हमारा काउंसिल बना है लेकिन काउंसिल में भी बॉडी नहीं बैठी है जिसमें फिजियोथेरेपिस्टों को ही बैठना चाहिए, है ना। उसमें उसके ऑर्डिनेंस में लिखा है कि फिजियोथेरेपिस्टों को वहाँ पर बिठाना है लेकिन अभी तक नहीं बिठा पाई है। 2016 से काउंसिल बना है लेकिन उस पर काम करना चाहिए। सरकार फिलहाल सोचना ही बंद कर दी है फिजियोथेरेपिस्टों के लिए, लेकिन हाँ जिस समय उनको VIP ट्रीटमेंट चाहिए तो कमरा नंबर 49 के साइड में कमरा नंबर 47 है, वहाँ जाके पीछे घुस जाएंगे, फिर यहाँ से बच्चों को बोला जाएगा कि उनका ट्रीटमेंट कर दो। तो जो लोग इंजेक्शन और दवाई से ठीक कर देते हैं उसे हम लोग कलाई से ठीक कर देते हैं। जी बिल्कुल, है ना। यस सर, कलाई में जो है बहुत ताकत है इसमें, है जादू है, जादू है, जादू है। तो ये जादू मैं दिखाई रहा हूँ और इन छात्रों से मैं बातचीत कर रहा हूँ, उनकी कहानियाँ भी सुनवा रहा हूँ आपको कि किस किन परिस्थितियों के बीच में जो है वो पढ़ाई करते हैं और कहाँ कहाँ से कैसे कैसे जो है मुसीबतों का सामना करते हुए वो यहाँ तक पहुँचते हैं। मतलब कब तक इस तरह से बैठे रहेंगे, उसके आगे भी कोई रणनीति बन रही है, कोई बातचीत करने जाएंगे या फिर और यहाँ से निकल कर फिर कहीं और जाएंगे? देखिए, हमने तो राग छेड़ दिया है और जब आपको समा बांधनी हो और राग छेड़ दिए, या तो छेड़ो मत और छेड़ दिया तो छोड़ो मत। हम लोग इसी सिद्धांत में काम कर रहे हैं। ये आंदोलन ख़त्म करना सीधे सीधे सरकार के हाथ में है, नहीं तो फिर ये अनिश्चितकालीन तक चलता ही रहेगा। सरकार इसके लिए जवाबदार है। अगर किसी भी बच्चे को कुछ होता है तो फिर बड़ा हंगामा उनके परिवार वाले, उनके पेरेंट्स भी करेंगे। ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार करे, और प्रोफेशनल्स भी हो सकता है हमारे साथ आ जाएँ। तो सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए, पूरी जिम्मेदारी सरकार के हाथ में है। चार मांगे हैं, बहुत बड़ी मांग नहीं है। हम किसी को नौकरी नहीं मांग रहे हैं, किसी को शहीद बोलने नहीं बोल रहे हैं, है ना। यहाँ किसी को शहीद बोल के आप नौकरी दे सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज को अधिग्रहित कर सकते हैं। तो ये चार छोटी छोटी मांगे हैं, कम्प्लीट की जा सकती है। तो मैं आपको दिखा रहा था कि फिजियोथेरेपिस्ट छात्रों का हाल क्या है, उनके पास बताने के लिए, सुनाने के लिए बहुत सारी जो है कहानियां हैं, पीड़ाएं हैं, क्योंकि उन्होंने सालों साल इसे देखा और झेला है। वो और बात है कि सरकार अब तक इसका निराकरण नहीं कर पाई है, निवारण नहीं कर पाई है, और यही वजह है कि 19 साल का एक वनवास अभी भी इन लोग देख रहे हैं, झेल रहे हैं। और जो बात मैं कह रहा था, अभी मैं भूल भी गया था, वो लाइन में फिर से मैं दोहरा देता हूँ, सरकार इसे अपने ऊपर ना ले तो ज़्यादा बेहतर है। कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। तो ये आलोचना करने वाली बात नहीं है, ये सच्चाई है कि आप अगर इस तरह से इन्हें मजबूर करते रहेंगे कि वो अपनी पढ़ाई को छोड़ करके, अपने तमाम जो है व्यस्तताओं को छोड़ करके इस तरह से आंदोलन करने पर मजबूर हो, धरने पर मजबूर हो, तो ये बैठे रहेंगे। इन्होंने तो तय कर लिया है, ठान लिया है कि जब सालों साल से किसी मांग कोई मांग पूरी नहीं हुई तो फिर बैठना ही लाजमी है। और हमने देखा भी है कि जब तक कोई अपने अधिकारों को लेकर के इस तरह से आंदोलनरत नहीं होते हैं, इस तरह से बैठते नहीं हैं, तब शायद सरकारें तब तक सुनती भी नहीं हैं। हाल ही में केंद्र के भीतर एक बहुत बड़ा आंदोलन चला और जिसके बाद स्थिति क्या बनी वो सब ने देखा है कि किस सरकार को किस तरह से झुकना पड़ा है। शायद अगर अभी बातचीत ये 13 दिसंबर से चूँकि जारी है आंदोलन, मैं चाहता हूँ कि आंदोलन और ज़्यादा ना बढ़े, ये सिलसिला आप ख़त्म हो और स्वास्थ्य मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक इस पर गंभीरता से संज्ञान ले और इनकी मांगों को जो है जहां जिस हद तक हो सकता है उसे पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि ये भविष्य छत्तीसगढ़ का है, ये नए छत्तीसगढ़, नवा छत्तीसगढ़ की बात हो रही है जहां पे। तो अगर आप नवा छत्तीसगढ़ को गढ़ना चाहते हैं तो उसमें फिर फिजियोथेरेपिस्ट छात्र कहीं पीछे ना छूटे, इसका ध्यान ज़रूर रखें। का हाल है में आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।